डिलीवरी के तुरंत बाद आपको अपने बच्चे को स्तनपान यानी कि दूध पिलाना होता है तो आप कोई विशेष डाइट प्लान नहीं फॉलो कर सकते। एंड अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आप 6 महीनों तक एक्सरसाइज का रिस्क भी नहीं उठा सकते। और सिजेरियन डिलीवरी के बाद तो पेट काफी बाहर आ जाता है, इतना बाहर कि कुछ महिला तो डिलीवरी के बाद भी प्रेग्नेंट ही लगती है। तो ऐसी हालत में आप अपना वेट कैसे घटाएंगे, ये सोच हर नई माँ को अंदर ही अंदर परेशान किए जाती है। लेकिन दोस्तों, हम आज इस वीडियो द्वारा आपकी समस्या का हल लेके आए हैं। अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आस्क ए गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। 3 टाइम खाने की जगह 6 टाइम खाइए। एक माँ होने की वजह से आप अपना खाना कम तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने बच्चे को दूध भी पिलाना है और इस नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको ताकत की भी जरूरत पड़ेगी। तो खाना तो खाना ही है, लेकिन एक साथ नहीं, थोड़े थोड़े अंतर पे खाना है। इससे आपका खाना पच भी जाएगा और आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा। जंक फूड ना खाइए। आपको ऐसा खाना खाना है जो आपको कम से कम खाने में ज्यादा से ज्यादा ताकत दे और कैलोरीज में भी कम हो, तो आपको वेट लॉस में भी आसानी होगी। जैसे कि चिकन, अंडा, फलिया यानी कि बीन्स और अन्य अनाज का खाना। बहुत सारा पानी पीना, 8 से 10 ग्लास पानी पिए। इससे आपके शरीर के टॉक्सिन्स शरीर के बाहर निकल जाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा और आपका वेट लॉस करने में मदद करेगा। खाना खाने के पहले भी पानी पिए ताकि आप जरूरत से ज्यादा खाना ना खाए। नींद पूरी करो। आपको एक साथ 8 घंटे की पूरी नींद मिलना शायद आसान नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को बार बार दूध पिलाना होता है, रात हो या दिन। लेकिन फिर आप जितना हो सके उतना अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करें, नहीं तो स्ट्रेस के वजह से भी आपका वेट लॉस नहीं हो पाता। तो आप बच्चे को थोड़ी देर घर के बाकी लोगों को सौंप दें और थोड़ी देर नींद ले सकते हो। मीठे की जगह मीठी दही। अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप दही को ठंडा कर ले, उसमें फल और ड्राई फ्रूट्स डाल के उसको और ज्यादा स्वादिष्ट भी बना सकते हो। इसके अलावा दही में आप फूड एसेंस जैसे वेनिला, बटरस्कॉच या और कोई फ्लेवर डाल के भी उसे टेस्टी बना सकते हो। इससे आपका मन किया तो मीठा भी खा पाओगे और वजन भी नहीं बढ़ेगा। खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाइए। रात को खाना खाने के बजाय अगर आप देर शाम को 7 या 7:30 बजे तक खाना खाने लगोगे तो ये आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा और वजन भी घटेगा। अगर आपको देर रात तक जागना पड़ता है तो इस दौरान आपको फिर भूख लगती है तो आप 1 ग्लास दूध पी सकते हो। घर पर ही खाना खाएं। जितना हो सके आप घर पर ही खाना खाएं, जिससे आप बाहर ज्यादा और अनहेल्दी खाने पे मजबूर ना हो। हमेशा मोटिवेटेड रहे। अगर आप खुश और मोटिवेटेड रहोगे तो आप अपने आप तंदुरुस्त फील करोगे और आपके सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ स्ट्रेस अपने आप ही निकल जाएगा। पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहना आपके वेट लॉस क्रिया पे काफी हद तक उपयोगी साबित होता है। और इन सब के अलावा अपनी वेट लॉस के चार्ट को मेंटेन रखना ना भूलें, क्योंकि ये वेट लॉस कुछ माओं के लिए इतना आसान नहीं है और शायद उनको ये फर्क बहुत जल्दी भी ना मिले, फिर हताश होकर अपने पुराने अनहेल्दी तरीके ना अपनाने लगो। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपके पास और कुछ भी नई माओ के लिए वेट लॉस के तरीके हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।